है गाइस। तो फास्ट करके एक अनदर वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा नाम है डांगी। तो आज हम बात कर रहे हैं लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन स्लिप कैसे निकाल लें, मतलब ऑनलाइन स्लिप, ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस जो कटवाते हैं वो कैसे हम इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ईजी है, 10-15-20 मिनट का ये सारा काम है। आप आराम से घर बैठ कर अपने लैपटॉप में कर सकते हो। इसमें आपको डॉक्यूमेंट कोई अपलोड नहीं करना है, बस टाइपिंग करनी है जो मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें सारी वीडियो में लास्ट तक आपको बताई है। और उसमें आप ऑनलाइन स्लॉट अपना बुक कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। जिस दिन की आप अपॉइंटमेंट लोगे उसी दिन आपको जाना है, लाइन लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जल्दी नंबर आ जाएगा, बस फ़ोटो खिंचाने जाना है। इसमें सारी स्टेट के आप भर सकते हो, कहीं का भी हो लाइसेंस, आप बस आपको अपनी स्टेट चूज़ करनी है और लाइसेंस आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाई स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको लर्निंग लाइसेंस की स्लिप काटवानी है अपनी। तो सबसे पहले आपको सड़क परिवहन लिखना है गूगल क्रोम खोल के, और कोई भी आप ब्राउज़र खोल सकते हो। उस पर ये सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा होम परिवहन सेवा, इंग्लिश वाले पे ही क्लिक करना है, हिंदी वाले पे आपको करना नहीं है। हिंदी वाले पे करोगे तो खुलेगा नहीं। और जो ये परिवहन सेवा है इसमें आप पूरे अपने जो भी स्टेट है ऑल ओवर इंडिया किसी का भी आप लर्निंग लाइसेंस काट सकते हो ईजिली। तो सेकेंड वाले पर हम क्लिक करेंगे, तो ये देखिए क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद कुछ आपको ऐसा कुछ दिखेगा। इनकी साइट काफ़ी बार स्लो चलती है तो ये भी स्लो चल रही है। उसके बाद यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज पर आप जाएंगे। ऑनलाइन सर्विसेज पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड आपको दिखेगा, ये सेकंड नंबर पे ही, इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये थोड़ा सा ये देखिए यहाँ खुल गया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद यहाँ आपको स्टेट अपनी सिलेक्ट करनी है, कौन से स्टेट में आप रहते हो, कहाँ का आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो वहाँ इसमें कर लेना। सारी दी हुई है, मैं हरियाणा का बना रहा हूँ तो हरियाणा का हम लिखेंगे यहाँ पर, टिक करेंगे उस पर ही। और जो भी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वो आप इस पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, सारी इसमें दी हुई है। तो हरियाणा सेलेक्ट कर लेंगे। तो हरियाणा सेलेक्ट करने के बाद लो ये कुछ इस तरह से खुल जाएगा। हाँ ये देखिए यहाँ आपको लेफ़्ट साइड में आपको दिखा है अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ हम करेंगे न्यू लर्निंग लाइसेंस। तो यहाँ कुछ इस तरह से खुलेगा, उसको कंटिन्यू कर देंगे। इस पर कुछ नहीं करना, सबसे ऊपर वाले पर टिक करना है रहेगा और सबमिट कर देंगे। इसको भी नहीं छेड़ना आपको कुछ भी यहाँ पर ही, तो इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको डिटेल भरेगी, सारी पढ़ के आप धीरे धीरे अपना भर देना सही से ही। तो स्टेट ये आपका कौन सा पड़ता है, एचआर में HR 26 है कौन सा है, तो आपको आपने पता होगा कि कौन सा कोड है वो वहाँ का, तो ये सारी डिटेल भर देंगे। 10th 12th क्वालिफिकेशन, फ़ोन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, अगर प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो उस पर टिक कर देना है। दोनों साइड ही वो कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे सारी दी हुई है, कहाँ पे आपका जन्म हुआ था वो, जो पढ़ाई आपने की हो कहाँ तक की है, ये सब यहाँ पे डालनी है आपको। तो ये देखिए मैंने यहाँ सारी बता दिया आपको। ईमेल ID है, ईमेल ID डाल दो, फ़ोन नंबर है वो सब, ब्लड ग्रुप आपका क्या है वो यहाँ डल जाएगा, फ़ोन नंबर इधर डल जाएगा। उसके बाद आपका एड्रेस डलने के बाद ये आपको सिलेक्ट करना है, आपको 2 व्हीलर का बनवाना है, 4 व्हीलर का LMV है, 2 व्हीलर का है ये। और जो इसके नीचे आएगा ये एक और मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा है 4 व्हीलर वाला, सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये 4 व्हीलर वाला ये है नहीं, ऊपर वाला जो है MCWG ये है 2 व्हीलर का, और जो LMV है ये है 4 व्हीलर का है। उसके बाद इस पर आपको कुछ और नहीं करना, बस सबमिट कर देना है। तो ओके कर देना इसको। फिर सारे डिटेल ध्यान से भरना है, गलत मत कर देना, स्पेलिंग की मिस्टेक, जो अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। या आपका एप्लीकेशन नंबर सारी चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद अगर प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट कर लो, नेक्स्ट करना चाहो तो नेक्स्ट कर लो, तो हम नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ हमारी जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो यहाँ दिख जाएगी, इसको हम कर देंगे सबमिट। तो देखिए सारा कुछ यहाँ आ गया, एप्लीकेशन नंबर, डेट वेट सब। तो यहाँ हम करेंगे ये जो एप्लीकेशन डिटेल है वो हमने सारी भर दी थी। उसके बाद करेंगे यहाँ पे फ़ी पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा नॉट टू बी डन बाय द एप्लीकेशन, तो यहाँ पे टिक करके हम पेमेंट भर देंगे यहाँ पे। और नीचे आपको दिख रहा होगा फ़ी पेमेंट और स्लॉट बुकिंग अभी पेंडिंग में है, तो सबसे पहले पेमेंट करनी होती है, उसके बाद ही स्लॉट बुक कर पाओगे, अपॉइंटमेंट ले पाओगे कि कब आपके पास टाइम है जाने के लिए, तो उस दिन के आप ले सकते हो अगर उस टाइम के अवेलेबल है तो। तो उसके बाद ये फ़ी पेमेंट का आ जाएगा आपके पास। फ़ी पेमेंट ये है अभी ओपन हो रही है, तो इसकी जो फ़ी होगी 650 रुपये होगी लर्निंग लाइसेंस की स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ आपको दिख रही होगी 650 रुपये आई है, ये देखिए। और यहाँ सेलेक्ट कर देंगे, एक ही ऑप्शन आता है इसी पे ही आपको सेलेक्ट करना है। साइड में कैप्चा दिया गया है वो फिल कर देंगे, और यहाँ पे सारी डिटेल आ चुकी है, कितनी कितनी फ़ीस किस चीज़ में लगी है, तो सारी डिटेल है यहाँ पे। अगर टू व्हीलर का करोगे तो और थोड़ी कम आ जाएगी फ़ीस, तो उसको हम फिर इसको हम प्रोसीड कर देंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे पेमेंट के लिए। तो ये पेमेंट हमने भर दी थी, और इसको यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लिक हेयर, तो इस पर हम क्लिक करके वो पेमेंट की रिसिप्ट हमें मिल जाएगी। ये होने के बाद आपको इसमें करना है, इसमें आपको अपने जो बुकिंग स्लॉट है वो उसमें आपको करनी है। तो एक बार इसको ओपन होने देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपकी जो पेमेंट है रिसीव हो चुकी है उनके पास, और यहाँ क्लिक हेयर टू प्रिंट रिसिप्ट, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे कोई कंपलसरी है नहीं। तो ये देखिए यहाँ कर ली, फिर वहाँ पे आपको टिक करना है, वहाँ पे SI नंबर वहाँ लिखा होगा उस पर टिक करोगे, कैप्चा फिल करोगे, फिर आपको रिसिप्ट आपको मिलेगी। तो ये देखिए वहाँ से हमने कर दी थी वो स्लिप हमने ले ली। उसके बाद आप करोगे स्लॉट बुकिंग, स्लॉट बुकिंग के लिए वही टिक करना है वहाँ पे जो डॉट दी हुई है, उसके बाद प्रोसीड करोगे। आपको नीचे दिख भी रहा होगा फी पेमेंट है वो कंप्लीट हो गई है 12/3/2020 को ही। तो स्लॉट बुकिंग करने के लिए फिर हम प्रोसीड करेंगे। तो ये हमने कर दिया है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, मोबाइल पे OTP चाहते हो या email ID पे, जो आपने फॉर्म फिल करने के वहाँ डाला था वही आप उसी नंबर पे OTP जाएगा। सिक्योरिटी कोड आप यहाँ भर दोगे, सिक्योरिटी कोड करने के बाद आप उसके बाद सबमिट करना है। तो ये देखिए सबमिट हो चुका है। ये सारी डिटेल यहाँ आपकी आ रही है, दिख रही होगी आपको, एज है, जेंडर, एप्लीकेशन नंबर, सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे आप प्रोसीड टू बुक कर दोगे। प्रोसीड टू बुक करने के बाद ये आपको सारी डिटेल आ जाएगी। जो हरा आ रहा है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, वो समझ लो कि वो है अवेलेबल है उस दिन स्लॉट आपके लिए। तो 12 तारीख जो भी आपके सिस्टम में आपको दिखेगी, आप उसी हिसाब से अपना जो टाइम है वो फ्री, तो उस हिसाब से आप अपना बुकिंग कर लेना। जो ये ब्लू कलर में आता है उस दिन आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो ग्रीन वाला ही करना है। वैसे होगा भी ग्रीन वाला ही, बस आपको डेट देखनी है कि किस दिन की है। इसमें यह भी ध्यान रखना 2-3 बार से आप अगर ज़्यादा करते हो तो रिजेक्ट हो जाएगी, पैसे भी नहीं मिलेंगे फिर। तो ये देखिए हमने ये जो करी थी 13 तारीख की, बुकिंग नंबर आ गया, सीट आ गई है 368, टाइमिंग दी हुई है 9 से 1 बजे तक है, इस बीच में आपका नंबर आएगा तो वहाँ पहले ही पहुँच जाए। तो बुक स्लॉट कर देंगे, तो बुक स्लॉट हमने कर दिया है और कंफर्म कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमने कंफर्म कर दिया है। कंफर्म करने के बाद यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हो। एप्लीकेशन नंबर आ चुका है आपके पास, सब कुछ यहाँ डिटेल दिख रही है। जो टाइम दिया गया उससे 30 मिनट पहले ही पहुँच जाए। 13 तारीख सब टाइम दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ। यहाँ से आप प्रिंट कर लोगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म। तो कुछ इस तरह से आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो अपने सारी चीज़ लेगा, 10th की मार्कशीट, फ़ोटो, क्योंकि आपके वहाँ जाके सबसे पहले फ़ोटो ही खींचेगी जो कि आपके लाइसेंस में आएगी। और आधार कार्ड ले जाना है, फ़ोटो ले जानी है, और एक फ़ाइल आपको वहाँ तैयार करके लेके जानी होती है। तो ये सारी चीज़ आप, तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट में बताना कि कैसी लगी। अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो इनके लाइसेंस के रिगार्डिंग तो आप वो भी पूछ सकते हो। और मैंने काफ़ी सारी वीडियो भी बनाई है लर्निंग लाइसेंस के लिए, लर्निंग लाइसेंस अगर गुम हो जाए तो उसको डाउनलोड कैसे करें, चोरी हो जाए उसकी सारी चीज़ें उसमें बनाई हुई है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।